राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोडासरा पर ईडी की छापेमार कार्रवाई पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ईडी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ईडी ने ऑपरेशन लोटस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए, जो कि वह नहीं है, और ये आपत्तिजनक है। देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा और आज उसी बात को दोहरा रहा हूं, उस पर कायम हूं कि ईडी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कहीं कोई गलती है तो आप कार्रवाई करिए, और सामान्य नजरिए से, राजनीतिक स्वरूप से, व्यवसायिक जगत से जुड़े हुए लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि एक किसी राजनीतिक पक्ष के लोग या व्यवसायी हैं तो किसी से जुड़े हुए हैं तो किसी के ऊपर हो रही है कार्रवाई, किसी के ऊपर नहीं हो रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि गलतियां कि कोई एक राजनीतिक दल के या विपक्ष के लोग हैं वही करते हैं और सत्ता पक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं ये सत्ता में हैं, तो इनके यहां कहीं कोई कमी नहीं है। ये ऑपरेशन लोटस कहां से होता है? बड़ी बड़ी राशियों की बात हम लोग सुनते हैं तो ये ऑपरेशन लोटस, ये लोटस, ये कमल कहां से खिलता है? तो उस पर ईडी का ध्यान क्यों नहीं गया? छत्तीसगढ़ में ही आपका नागरिक आपूर्ति निगम का नान का घोटाला हुआ, उतना बड़ा नगद राशि मिली, नगद राशि ऑन रिकॉर्ड है, एफआईआर दर्ज हुआ, उस पर ईडी ने काम क्यों नहीं किया? बाकी इनकम टैक्स कहीं गया, वहां पर कोई जानकारी मिली तो ईडी अंदर आ गई, यहां पर ईडी अभी तक क्यों नहीं उसको काम को लिया? उनको ले लेना था ना, थाने में रिपोर्ट दर्ज है, उसके ऊपर ईडी फिर कार्रवाई करती है। इनकम टैक्स ने जांच किया, इनकम टैक्स ने पाया कि यहां पर कमी है, उसके ऊपर कहीं एफआईआर हुआ तो एफआईआर के आधार पर ईडी फिर कार्रवाई करती है। तो ये नान घोटाले का तो एफआईआर दर्ज है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसमें आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो अनेकों ऐसे प्रकरण हैं जो छत्तीसगढ़ में ही अगर आप सीमित होना चाहें, जिसमें कि ऐसी बातें आईं लेकिन ईडी ने कोई कदम उसमें नहीं उठाया। तो उनको दिखना चाहिए निष्पक्ष, होना भी चाहिए निष्पक्ष, दिखना भी चाहिए निष्पक्ष, जो कि नहीं है।